तो नमस्कार, वेलकम, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास यहाँ पे है ये मिसफिट जो बोट की तरफ से आता है वो ट्रिम, और जो इसका जो मॉडल नंबर है मैं वो आपको बताऊं तो ये है मॉडल नंबर मिसफिट T150। तो ये जो ट्रिमर है इसकी MRP लगभग 2999 रुपए है, और ये नॉर्मली जो ऑनलाइन स्टोर्स है वहाँ पे लगभग 1200-1300 रुपए का मिलता है, लेकिन कभी कभी ये ऑफर्स के अंदर आपको 700 रुपए में भी देखने को मिल जाता है। तो इसके बॉक्स के ऊपर हम बात करें तो बॉक्स के ऊपर कुछ पीछे चीजें मेंशन करी हुई है, जो इस तरह से कि इसमें टाइटेनियम कोटेड ब्लेड है, IPX7 जो है वो वाटर रेसिस्टेंट की रेटिंग है, और ये 90 मिनट मतलब लगभग 1.5 घंटे के अराउंड इसका जो रन टाइम है वो है, और 45 डिफरेंट टाइप की जो लेंथ सेटिंग है वो इसमें आपको देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पे आपको एक टर्बो मोड देखने को मिलता है, और इसके साथ ही एक ट्रेवल फ्रेंडली पाउच और सेफ्टी लॉक देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको ओपन करके देखते हैं कि आखिर इसके अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये है इसका कुछ बॉक्स, बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो इसका पाउच है, मतलब ये पाउच देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे ये देखने को मिलती है ये कॉर्ड। तो कॉर्ड की लेंथ की बात करें तो कॉर्ड की लेंथ ठीक ठाक है, लेकिन अगर इसमें टाइप सी या उस टाइप की कोई कॉर्ड दी जाती तो वो काफी बढ़िया रहता। साथ में बात करें तो यहाँ पे एक ऑयलिंग के लिए ये ऑयल कैन दिया हुआ है छोटा सा, मतलब थोड़ा सा ऑयल भी है, काफी बढ़िया चीज है। इसके अलावा यहाँ पे एक ब्रश दी हुई है क्लीन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ये दो कॉम्ब दिए हुए हैं अलग अलग हाइट के, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये है बोर्ड की तरफ से आने वाला ट्रिमर है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 सेटिंग है, और ये 7 में आधे का भी फर्क है, मतलब ये टोटल मिला के 14 सेटिंग है। इसकी वेट काफी ठीक ठाक है, मतलब वेट है आखिर इसमें कितना वेट है देखते हैं। तो यहाँ पे इसका जो वेट है वो आ रहा है 148 ग्राम। तो यहाँ पे जो इसका कॉम्ब है इसको निकालने के लिए हमें इसे पकड़ के खींचना पड़ेगा, और ये इस तरह से अलग हो जाता है। और इसको निकालने के लिए यहाँ पे जो ब्लेड है ये देख सकते हैं आप, ये टाइटेनियम कोटेड ब्लेड है। तो इसको ऑन करने के लिए ये देखिए, तो ये पहला अपने सेगमेंट का जो है ट्रिमर है जिसके अंदर यहाँ पे LED डिस्प्ले भी दिया हुआ है, और ये अभी ऑन करते ही जो इसका जो फर्स्ट मोड है उस पर ऑन हो गया। अभी 99% ये बैटरी की परसेंटेज बता रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो लुब्रिकेशन का साइन है वो भी दिया हुआ है, मतलब जरूरत पड़ने पे ये ब्लिंक करता है, तो उस समय हमें इसको यहाँ पे लुब्रिकेट करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक और बटन दिया हुआ है, मतलब एक और आइकन दिया हुआ है जो कि है ट्रेवल लॉक का। ट्रेवल लॉक कैसे ऑन करते हैं मैं भी आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं इसको है ना, ये इसको मैंने टर्बो मोड पे डाल दिया है, तो टर्बो मोड पे इसकी स्पीड काफी बढ़ गई है। अब मेरे को इसको अगर लॉक, जैसे मैं इसको ट्रेवलिंग में यूज कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि ये बटन है ना एक्सीडेंटली दबाने पे ऑन ना हो, मैं इस बटन को प्रेस करके रखूंगा, थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे और ये यहाँ पे देखो लॉक का आइकन आ गया। इसका मतलब है ये अब ट्रेवल लॉक हो गया है, मतलब आप इसको आप यूज कर सकते हैं ट्रेवलिंग के दौरान, ताकि अगर आप ट्रेवलिंग में रहेंगे तो ये बटन अगर एक्सीडेंटली ऐसे दबेगा भी तो ये ऑन नहीं होगा। ये देखिए, अब इस लॉक को हटाने के लिए इसको मेरे को वापस ऐसे दबा के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइड में जो है ग्रिप के लिए भी कुछ पैटर्न बनाया हुआ है, काफी बढ़िया है। और यहाँ पे ये है चार्जिंग का पोर्ट, और इसकी बैटरी है काफी बढ़िया चलती है, अभी तक मैं इसको यूज कर रहा हूँ, बैटरी इसकी अभी तक तो खत्म हुई नहीं, बाकी कैसा क्या है इसको आगे फर्दर यूज करके हम देखेंगे। तो ये था MSFIT जो कि बोट की तरफ से आने वाला ट्रिमर। वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ हेल्प मिली हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं ऐसी छोटी मोटी कुछ भी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है या जो मुझे मिलती है मैं लेके आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।